नेता डॉक्टर अशोक तंवर फतेहाबाद और सिरसा के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी सिरसा फतेहाबाद में तबाही मचा रहा है। सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से बात करके बाढ़ रोकने के पुख्ता इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार के प्रतिनिधि इन इलाकों में नहीं पहुंचे हैं। बांधों में कटाव तेजी से हो रहा है। शाम तक पानी फतेहाबाद शहर तक पहुंच जाएगा। कई लोग जेसीबी मशीनें छोड़ छोड़ कर बीच में भाग रहे हैं, जिसकी वजह से बांध और ज्यादा टूट रहे हैं। व्यवस्था के कारण स्थानीय लोगों में आपसी झगड़े की आशंका है। कल बीती रात पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर भी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। सरकार सभी तरह के पुख्ता इंतजाम कर लोग खुद से बांध को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार तुरंत सहायता पहुंचाए। अशोक तंवर। मिट्टी चाहिए जो गट्टे पा दिया उसको आ दोगे गट्टे भर भर के सिलाई है मैं इसकी जगह है दोपहर ऐसी दो दो ट्रॉली से तो क्या होगा उसका कोई नहीं। ये आगे क्या नाम है आपका? सरोज रानी। इधर कर थोड़ा करते हुए दो ढाई सारी है, दो ढाई है इसके पीछे तीन ढाई है साथ में। अच्छा, घर के बाढ़ लगाया पिछली बार पानी आपके यहाँ आ गया इस बार ज्यादा पानी है? 2010 में उस समय नहीं आया था अपने यहाँ। अच्छा, शाम को कभी ये लगता नहीं था पानी आएगा? पिछले कई दिनों से आप सब लोग देख रहे हैं पहाड़ों में भारी बारिश के बाद अब ये सारा पानी नीचे कुरुक्षेत्र अम्बाला होते हुए सिरसा फतेहाबाद इन जिलों में भारी तबाही कर रहा है। कल भी मैंने पूरा दौरा किया, रतिया का, टोहाना का, सिरसा में भी पूरा देखा। तो मैं सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, सरकार से, प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भारी तबाही हो रही है, इसको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि अभी भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। बहुत सी जगह जो जेसीबी लगाई हुई थी वो जेसीबी छोड़ छोड़ करके लोग भाग गए, और बांध का जो है वो जो थोड़ा सा टूटा हुआ था बहुत बढ़ गया है। आज कल मैं गया अहरवा तक पानी नहीं आया था, लेकिन अब रंगोई नाला भी टूट गया और अहरवा से लेकर के फतेहाबाद शहर तक आज शाम तक पानी पहुंच जाएगा। इसी तरीके से नेजा डेला, पनिहारी, बुर्ज करमगढ़, जितने और दूसरे गांव हैं इस पूरे इलाके में मुसाहिबवाड़ा, वहां भी पानी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। तो मैं सभी साथियों से, जो हमारे साथी हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा और सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो जितनी यथासंभव मदद कर सकता है वो यथासंभव मदद करें, क्योंकि बारिश अगर और होगी तो और ज्यादा स्थिति नाजुक होगी। तो सरकार किसान से लेकर के गरीब आदमी उसका भी ध्यान रखे, उनको किस तरीके से हम खाद्य सामग्री पहुंचा सके, कई जगह लोग बीच में फंसे हुए हैं, उनके पशुओं को कैसे बचा सके, मुआवजा तुरंत जारी हो और रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।